थोड़ी बोल दिया। तो हर वार्ड में, हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ला में एक ही आवाज है कि स्मार्ट मीटर बंद करो। और गवर्नमेंट एजेंसीज है कि मानती है, गूंगी वाली सरकार है, डबल इंजन का प्रशासन है। 2014 में भी जिनके पास भाजपा का जो यहाँ पर मंत्री यहाँ पे रहा, उस वक्त भी मीटर यहाँ पे लगाए थे। और जो भी यहाँ पे आता है वो मीटर की परचेज के यहाँ पे लगता है। कौन सा ऐसा मीटर का स्कैम यहाँ पे है? और कल जिस ढंग से कुछ बिजनेसमैन को लेके स्मार्ट मीटर और दूसरे की तुलना की गई और ये बताया गया कि दोनों की रीडिंग सेम है, अगर दोनों की रीडिंग सेम है तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता क्या है? क्यों जम्मू कश्मीर के आवाम को इस बोझ के नीचे दबाया जा रहा है? और मैं समझता हूँ कि मन मर्जी, तानाशाही पुलिस के जरिए, तहसीलदार के जरिए लोगों को डरा धमका के ये मीटर का लगाना का कार्यक्रम इन्होंने जारी रखा है। सिर्फ मीटर ही नहीं, टोल प्लाजा की देखें तो उसमें भी बुछा रहा है। अब ये टोल प्लाजा हो या स्मार्ट मीटर हो, ये बड़ा इरिटेटिंग फैक्टर है। लोगों को इन चीज़ों से नफरत यहाँ पे होगी। आज आप देख सकते हैं कि जो प्ले कार्ड लेके विधवा और बुजुर्ग आदमी की पेंशन भी यहाँ पे बंद हो गई है। अगर विधवा और बुजुर्गों की पेंशन भी ये सरकार बंद करती है तो इस सरकार को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। ये आवश्यकता है। और तमाम सारे लेडीज हर मोहल्ले में इन चीज़ों को लेके बवाल मचा है कि आपने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, विधवा पेंशन बंद कर दी और स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों की जेब में डाका डाला जा रहा है। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज लूट है। भाजपा के 25 जयचंद जिनको चुन के यहाँ पे भेजा था, MPs हैं, उनके मुंह में ताला क्यों लगा है? ये जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि मुंह का ताला खोलें, अपनी चुप्पी तोड़ें। यहाँ से लेकर और दिल्ली तक ये सारे जो हैं वो लोग जम्मू कश्मीर के आवाम का खून चूसने पे यहाँ पे लगे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। इसलिए वो मुहिम है, हर एक जगह पे, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में हमारे लोगों का संघर्ष, हम लोगों के साथ रहेंगे। लोगों के जज्बात हैं, उस जज्बात को ध्यान में रखते हुए उनकी आवाज़ को जोरदार तरीके से बुलंद करेंगे ताकि जनता